एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देख सकते हैं हम बलिया सब स्टेशन रामपुर में आए हैं 132 के भी। और अभी हम अंदर जाने वाले हैं, ये बाहर का नज़ारा है, CTPT देख सकते हैं। बलिया के स्टूडेंट ही हैं और CTPT है, ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और भी बच्चों को देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, सभी आए हुए हैं। इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, देखिए 33 के वी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है 33 के वी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि ये 33 के वी का PT ट्रांसफार्मर है। और यानी कि देख सकते हैं PT ट्रांसफार्मर, देख के पता कर सकते हैं PT ट्रांसफार्मर ऐसा रहेगा। और ये 33 के वी लिखा हुआ था। और ये बड़ा वाला CT ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, CT ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और दिखाते हैं आपको करंट ट्रांसफार्मर। आपको हमने PT ट्रांसफार्मर दिखा दिया। PT ट्रांसफार्मर देख सकते हैं कुछ ऐसा रहता है, लिखा हुआ भी है, तो PT ट्रांसफार्मर देख लीजिए ऐसा है। और CT ट्रांसफार्मर दिखाते हैं आपको, CT ट्रांसफार्मर दिखा रहे हैं, घबराइए मत। देखिए एक CT ट्रांसफार्मर है मेरा, 33 के वी करेंट ट्रांसफार्मर, यानी कि CT ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आसानी के साथ। और कैसा होता है इसका सेप दिखा दे रहे हैं हम, बस ऐसा ही है CT ट्रांसफार्मर कुछ मेरा। देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर, सभी स्टेशन आए हुए हैं। और यहीं अभी अंदर आपको ले कर चलेंगे, सर आए नहीं हैं, बस आप जुड़े रहिए, सब कुछ दिखाने वाले। समर ट्रेनिंग एक होता है 4 सेमेस्टर के बाद, और हम बलिया सब स्टेशन है, मंथली समर ट्रेनिंग है, एक महीने का होता है, जिसमें आए हैं बलिया सब स्टेशन 132 के भी। ये CT है मेरा, देखिए करंट ट्रांसफार्मर, और मेरा ये PT है, सेफ देख लीजिए। CT का वर्क बताओ, ये मेरा PT है, ठीक ना, ये हमारा PT है और ये PT है, ठीक है। अभी आगे हम अंदर जाने वाले हैं, सब कुछ दिखाएंगे। देखिए दोस्त, एक कंजर्वेटर टैंक है, आपने पढ़ा होगा ये ऊपर, हाँ ये जो आइसोलेटर के बगल में दिख रहा है कंजर्वेटर टैंक है। और ये ब्रीदर है, देख सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर में जाने वाली नमी को अवशोषित करता है। अब बड़ा ट्रांसफार्मर है तो फैन की व्यवस्था रहती है ठंडा करने के लिए, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना बड़े ट्रांसफार्मर के लिए, फ़ैन की व्यवस्था होती है, देख सकते हैं। और ये ऊपर कंजर्वेटर टैंक, इसमें हाफ तेल भी भरा जाता है। और देख सकते हैं सावधानी दिखाई जाती है इसमें। और ये लाइटिंग अरेस्टर देख सकते हैं लगा हुआ है। देखिए ट्रांसफार्मर को, एक फैन बंद है यानी कि ग्रुप में चलता रहेगा, कोई दूसरा बंद होगा तो चलने लगेगा, यानी कि चार चार के ग्रुप में चलेगा ये। एक फैन बंद है, इसका मतलब ख़राब नहीं है, वो ट्रांसफार्मर को ठंडा कर रहा है बस।